A shopkeeper in Delhi buys an article at the printed price of rupees 24,000 from a wholesaler in Mumbai. तो देखिए होलसेलर मुंबई में है, और उसने सेल किसको किया? मुंबई कहां पे है भाई? महाराष्ट्र में। उसने सेल किया दिल्ली को, दिल्ली यानी हमारा जो है शॉपकीपर। और उसके बाद शॉपकीपर दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली के ही एक कंज्यूमर को उसने सेल कर दिया, तो ये भी दिल्ली हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ होगा, ये ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ होगा हमेशा की तरह। तो पहला तो बोल रहा है कि प्रिंटेड प्राइस पे ही डील हो गई, रुपीज 24,000। अगला वाला क्या है? द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल इन दिल्ली इटसेल्फ एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो अब देखिए, पहले तो ये जीएसटी को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, 6% ये है क्या एस जीएसटी और ये है सी जीएसटी। अच्छा, और 15% प्रॉफिट जो है वो इसी पे कमा रहा है वो, तो हम लोग क्या रफ में ही कर लेते हैं, चलिए 24,000 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल कर आ जाएगा 27,600। तो यहां पे ये जो डील हो रही है वो रही 27,600, यानी कि शॉपकीपर 3,600 अपना प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 10% 15% प्रॉफिट लेना अच्छी बात है, लेकिन यही है कि ये थोड़ा बेवकूफी है यहाँ पे कि भाई 24,000 प्रिंटेड प्राइस है, तो या तो शॉपकीपर थोड़ा चालाक हो, और होगा ही चालाक, वो फिर से एक नया टैग लगाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर 24,000 का ही टैग लगा रहा और ये इतने रुपए ले रहा है तो मतलब अच्छा नहीं होगा, फिर तो कोई कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं, बोलेगा लिखा 24,000 है तुम पता नहीं कितने में बेच रहा हूं मैं, है ना। अभी देखिएगा कि मतलब जो आपका कंज्यूमर है काफी हाई कॉस्ट पे करेगा, तो जो शॉपकीपर है अपना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे 24,000 का टैग कभी भी दिखाई दे। ज्यादातर यही होता है, शॉपकीपर्स नए टैग लगा देते हैं और वो कोई मुश्किल काम नहीं होता उनके लिए। चलिए, तो एक तो ये बात हो गई। अब यहां पर ये समझने वाली बात है कि मुंबई से दिल्ली इंटरस्टेट है, और दिल्ली से फिर से दिल्ली अगर हम आ रहे हैं तो ये क्या है? इंट्रास्टेट है। तो अब क्योंकि ये इंटरस्टेट है तो यहां पे तो केवल इनपुट में आईजीएसटी ही होगा, है ना। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? क्योंकि जीएसटी अपना 12% है, तो जब इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो हम पूरा पूरा 12% लेते हैं, ये हमें मालूम है। तो 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24,000, तो ये कितना आ रहा है? 2880। ठीक है, ये आ रहा है 2880। अब इधर इस साइड जाते हैं, यहां पे तो मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रास्टेट है, तो यहां तो मैं केवल आउटपुट जीएसटी लिखूंगा, और यहां पे दोनों मेंशन करने होंगे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। अच्छा, एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट 27,600 पे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/100 ऑफ 27,600, तो ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाता है? 1656 = ₹1656। तो एक वैल्यू ये है इंटीग्रेटेड, और ये है आउटपुट एसजीएसटी 1656, आउटपुट सीजीएसटी 1656। ये वैल्यूज हमारे सामने है। याद रखने वाली बात यह है बच्चों
कि ये इस लाइन के इधर अगर हम लोग डील कर रहे हैं, अगर ये पार्ट देख रहे हैं इस बॉक्स में, तो ये जो बॉक्स है ये है इंटर स्टेट। और उसी तरह अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस बॉक्स की, तो ये बॉक्स जो है हमारा वो है इंट्रा स्टेट, है ना। तो ये ऐसा केस है, अकेला ऐसा सवाल है इस एक्सरसाइज में जहां पर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। और असली लाइफ में ऐसा ही कई बार होता भी होगा, काफी पॉपुलर केस होता होगा, हमेशा इंट्रा स्टेट और हमेशा इंटर स्टेट होना थोड़ा कम प्रोबेबल है, एक मिक्सचर मिक्स्ड मार्केट होना ज्यादा पॉसिबल है। क्योंकि ये तो बहुत बार होता ही है कि शॉपकीपर और कंज्यूमर भाई पड़ोसी है ना, आसी पास रहते हैं, तो इसलिए ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी एट विच होलसेलर बॉट द आर्टिकल। तो भाई यहां पर सवाल में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि यार होलसेलर बाय, ये बुक में यही लिखा हुआ है, मैं दिखाना चाहता था आपको कि यहाँ पे करेक्शन है। और होलसेलर ने किस पे बाय किया है, तो ये तो यार ये वाला ट्रांजैक्शन है, वो पता ही नहीं है मैन्युफैक्चरर कौन है क्या है, तो यहाँ पे होलसेलर नहीं होगा। पीछे आंसर जो आ रहा है वो भी इसी शॉपकीपर के हिसाब से आ रहा है। तो हमें क्या बोलना है, प्राइस एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। तो पक्का है कि शॉपकीपर ने 24,000 तो दिए ही दिए हैं, तो और उसके बाद फिर उसने इनपुट आईजीएसटी सबमिट किया होगा होलसेलर को कि भाई लीजिए आप इसको सरकार को दे दीजिएगा, है ना। तो अब प्राइस टू शॉपकीपर, प्लस इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी यही है बस, बहुत ही सिंपल है यहां पर, तो जो चार्ट में लिखा हुआ है वैल्यू कॉपी करके बस जोड़ देना, रुपीज 2880। तो ये आ गया कितना, रुपीज 26,880 रुपीज, एक आंसर तो ये आ गया। इतना प्राइस जो है वो शॉपकीपर पे कर रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर कितना पे करता है, तो यहां आ जाते हैं कंज्यूमर अपना ये पे करेगा और ये दोनों आउटपुट जीएसटी पे करेगा, है ना। प्राइस टू कंज्यूमर प्लस आउटपुट जीएसटी, सीधे लिख रहा हूं मैं आउटपुट जीएसटी में, लेकिन ये दोनों ही शामिल होंगे। तो ये हो जाएगा रुपीज 27,600 प्लस 1656 प्लस 1656, दोनों मेंशन करना जरूरी है। आप ऐसा चार्ट बना लेंगे तो यहां पे लिखने में फिर आपको कम भी आप लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और वैसे भी मतलब आप बहुत ज्यादा अगर लिखेंगे तो आपका टाइम से वेस्ट हो जाएगा और मतलब कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। और ये चार्ट बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इससे सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएंगी, बार बार आपको क्वेश्चन पे नहीं जाना होगा। तो ये जुड़कर जो आ रहा है वो 27,600 और 1656 दो बार, तो ये हो रहा है 30,912। तो अब इसीलिए तो बोल रहा था मैं कि आपका जो शॉपकीपर है, अगर टैग मान बोल रहा है ना कि प्रिंटेड प्राइस 24,000 है, तो अगर प्रिंटेड 24,000 है तो कोई भी कंज्यूमर भैया 6,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देगा। तो इससे बढ़िया है शॉपकीपर क्या करेगा, टैग लगा देगा
ऐसा जो 30,900 छह या 7,000 हो गया, बल्कि देखिए जो 31,000 के आसपास का टैग हो, ताकि कंज्यूमर को दिक्कत ना हो, ये नहीं लगे कि हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो ये सारा प्राइस टैग का खेल है, पूरी मार्केट में प्राइस टैग अपना बढ़ाते घटाते रहो और कंज्यूमर को लुभाते रहो। तो चलिए अभी हम लोगों ने दो पार्ट यहां पे कर लिए हैं, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एक ये सवाल है, और फिर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में तीन गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मुंबई कहां पे है, महाराष्ट्र में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको समझना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जहां पर मुंबई है उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट है, इसमें सारा आईजीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास रख लेगी। और उसके बाद यहां पर क्या होगा कि दिल्ली से दिल्ली के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर ने कितने रुपए अपने पास रख लिए, 3,600, है ना, यही तो शॉपकीपर का प्रॉफिट हुआ 15% ऑफ 24,000। तो 3,600 रुपीज जो है वो शॉपकीपर ने खुद रख लिए एज अ प्रॉफिट बिकॉज ही इज वर्किंग, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमानदार आदमी है वो। तो 3,600 का ही ट्रांजैक्शन तो हुआ दिल्ली से दिल्ली के बीच में, उसका 12% पूरा दिल्ली गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। तो मुंबई को कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली को 12% मिलेगा 3,600 का 12% लेके, और इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 24,000 का 12%। ये आपको पहले समझना होगा, ये मिक्स्ड केस है, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, तो अब जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, कैसे हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है तो बस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी हम लोग कर देंगे, दिस इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। अब देखिए आपकी बुक में क्या किया है उन लोगों ने मतलब एक बैलेंस वाला टर्म डाला है, 2880 में से 1656 को सब्ट्रैक्ट किया और फिर जो वैल्यू आई फिर उसको इस 1656 से डील किया, कुछ ऐसा किया है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन ना पैदा हो इसलिए हम लोग अपनी पुरानी डेफिनेशन आउटपुट माइनस इनपुट में जाएंगे, क्योंकि शॉपकीपर तो डिफरेंस में ही डील करता है ना, तो इसलिए ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तो आउटपुट जीएसटी क्या है, 1656 प्लस 1656 माइनस 2880 और ये कितना आ गया, रुपीज 432। इसी में एक दूसरा मेथड है कि भाई अगर हमारा जो शॉपकीपर है वो 3600 का प्रॉफिट उठा रहा है, क्योंकि 24,000 और 27,600 में इतना ही डिफरेंस है, तो इसी प्रॉफिट पर शॉपकीपर जीएसटी सबमिट करेगा। तो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर है ना ऑन हिज प्रॉफिट, ये जानबूझकर मेंशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो अपने ही प्रॉफिट पर जीएसटी देगा, देना भी चाहिए, वो होना चाहिए 12% ऑफ प्रॉफिट है ना, क्योंकि जीएसटी हमें दिया हुआ है 12%, और ये क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन स्टेट में ही है तो पूरा स्टेट का जो ट्रांजैक्शन का जीएसटी बनता है वो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 100 और प्रॉफिट कितना था 3600, तो ये फिर से ₹432 आ जाएगा। आप चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है। और अब अगला वाला है जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो तो पूरा आईजीएसटी जो है वो ले रही है होलसेलर से, है ना, और फिर उसके बाद शॉपकीपर से देखते हैं क्या लेती है। तो जीएसटी या आईजीएसटी गिवन बाय या पेड बाय होलसेलर प्लस जीएसटी गिवन बाय शॉपकीपर। इस केस में शॉपकीपर क्योंकि सारा जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट में ही कर रहा है और ऑलरेडी वो 432 रुपीस एज जीएसटी दिल्ली गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट को दे चुका है, इसलिए यहां पर ये पे करेगा नील। और आईजीएसटी तो है वही रुपीस 2880, इसलिए यहां पे आंसर आ जाएगा रुपीस 2880। तो अब हमारे पास जीएसटी received by state government of Delhi वो हो जाएगा 432, वो सारा जीएसटी लेगी शॉपकीपर से केवल, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेगी होलसेलर से केवल। तो यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि होलसेलर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पूरा आईजीएसटी दे देता है और होलसेलर दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ नहीं देगा, होलसेलर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं देगा, शॉपकीपर क्या करेगा दिल्ली गवर्नमेंट को 432 रुपीस दे देगा और शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं देगा और शॉपकीपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो वैसे भी कुछ नहीं देगा, कंज्यूमर किसी भी गवर्नमेंट को कुछ भी डायरेक्टली नहीं देगा लेकिन कंज्यूमर शॉपकीपर को बोलेगा कि ये आपका एसजीएसटी है, ये आपका सीजीएसटी है, ये आप रख लो आगे जाके पे कर देना। तो शॉपकीपर के पास इतना 1656 मल्टीप्लाइड बाय 2 इतना रुपए है, लगभग 3300 रुपीज, और 3300 के आसपास रुपीज लेकर ये क्या करेगा, होलसेलर को बोल देगा कि आप 2880 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। इस तरह से हमारा पूरा टैक्स का बंटवारा होगा। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये बताना चाहूंगा आपको कि हमने अपने सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखे हैं, पूरी एमएल अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 22 लिंक्स दिखेंगे, उन सभी लिंक्स पर आप क्लिक करिए और अपनी मर्जी के चैप्टर को सॉल्व करिए। सो स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2IIT।